सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल एंड वेलकम टू फार्माटेक एक्सपो 2024 जो शुरू हो चुका है चंडीगढ़ में, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मा रिलेटेड एग्जीबिशन कहा जाता है। एंड आज आपको मैं लेके पहुंचा हूँ ऐसी कंपनी के पास जो कि गुजरात में है और फार्मास्यूटिकल्स में वन ऑफ द बिगेस्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो डायरेक्ट बात करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट कंपनी में डायरेक्टर से, और देखते हैं किस तरीके की सर्विस रहती है इनकी और किस तरीके से आप इनसे B2B में जुड़ सकते हैं अगर आप लोग इस तरीके का कोई प्लांट खोलना चाह रहे हैं या इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। सो हेलो सर। हेलो सर। तो एक इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज, हमारी ऑडियंस को बताएंगे किस तरीके की मशीन है, क्या आपका प्रोडक्ट रहता है प्लीज। मायसेल्फ सर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिक मशीनरीज प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। वी आर मैन्युफैक्चरर ऑफ टैबलेटिंग मशीन्स, ग्रैनुलेशन मशीन्स एंड रोल कॉम्पैक्टर मशीन। ओके, तो किस तरीके के प्रोडक्ट आप लोगों के रहते हैं, मतलब कौन सी इंडस्ट्रीज में हम लोग इसको यूज करते हैं? हम फार्मा इंडस्ट्रीज में API। हां यस, केमिकल्स। ओके, तो वन ऑफ द बिगेस्ट आप मैन्युफैक्चर कह सकते हैं कि भाई अहमदाबाद में है जो मशीन दे रहे। तो आपकी क्वालिटीज क्या, आपकी स्पेशलिटी क्या रहती है मशीन में? हमारा स्पेशल मशीन है रोल कॉम्पैक्टर मशीन। हां, सिंस 1984 से हमारी कंपनी है। ओके यस, तो इस तरीके के किस मतलब मशीनरीज में बात करें तो कितने टाइप्स की आप मशीन और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? मशीन 50 टाइप की मशीन है। ओके, तो पूरा आप सर्विसेज आपकी पैन इंडिया रहती है? यस, पैन इंडिया एक्सपोर्ट भी करते हैं। वेरी नाइस। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, और जो मशीनरीज यहाँ बैकग्राउंड में डिस्प्ले में है वो आपको डिस्क्रिप्शन के साथ एक एक करके समझाया जाएगा किस तरीके से वर्किंग करती है, और जो भी सर रिलेटेड नया बिजनेस करना चाह रहा है तो उसके लिए खास वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जो भी चैनल पर नया जुड़ा है उस वीडियो को ज्यादा शेयर करके जाइए ताकि आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और न्यू बिजनेस आइडिया वीडियो आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सिप मशीनरीज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। मैं आपको ये जितने भी मशीन डेमो में है उसका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये मशीन जो आपको दिख रहा है दैट इज फ्लूइड बेड ड्रायर। फ्लूइड बेड ड्रायर 60 kg की कैपेसिटी है। इसके अलावा वाइड रेंज हमारे पास अवेलेबल है फ्रॉम द वेरी लार्ज स्केल टू द मोस्ट कमर्शियल साइज। ये पर्टिकुलर किस इंडस्ट्री में काम आता है सर? ये फार्मा इंडस्ट्री में है, ग्रैनुलेशन की प्रोसेस में ये काम आता है। जनरली आपके जो ग्रैनुल्स आरएमजी से निकलते हैं ड्राई होते हैं उसको ड्राई करना पड़ता है वेट मास को। इसके फंक्शन आप देख सकते हैं थोड़े फंक्शंस में, ये इसका प्रोडक्ट कंटेनर है। इसके अंदर आपका पाउडर लोड होगा, यहाँ बैक साइड नीचे से आपका हॉट एयर ट्रांसफर होता है, वो पाउडर को फ्लूडाइज करता है ये चैम्बर के अंदर। तो इसके अंदर पैरेलली हीटेड एयर ट्रांसफर होती है जो आपके वेट मटेरियल को ड्राई करती है, और वहाँ से एग्जिट अपना एग्जॉस्ट से एयर आपकी सर्कुलेशन बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। तो कितना कैपेसिटी में है अवेलेबल? ये 60 कैपेसिटी है, 60 kg फुल मैक्सिमम बैच साइज है 60 kg, मिनिमम आप 22-25 तक जा सकते हैं। तो इसकी सेफ्टी फीचर्स की हम बात करते हैं तो सेफ्टी फीचर्स के लिए इसमें सारे इंटरलॉक्स लगे हुए हैं कि इन बिटवीन द प्रोसेस अगर मशीन आपका ओवरलोड हो जाता है तो मोटर ट्रिप हो जाएगा, कोई ऑपरेटर अगर ये कंटेनर को इन प्रोसेस बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो मशीन रुक जाएगा, अगर आपका चैम्बर के अंदर आपका स्टैटिक जनरेट हो रहा है तो भी मशीन आपका ट्रिप हो जाएगा, और इसके अलावा जो प्रोसेस्ड एयर है वो एटमोसफेयर में रिलीज नहीं हो उसके लिए भी सेंसर लगते हैं कि आपका कोई भी पाउडर मटेरियल बाहर जा रहा है तो इमीडिएटली मशीन को ऑफ कर देगा। इसका आउटपुट पर डे के हिसाब से कैसे रहता है? ये बैच वाइज रहता है, एक सिंगल बैच आपका 60 kg का आप इसमें डाल सकते हो विच विल टेक अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 minutes ऑफ टाइम, और बाकी लोडिंग अनलोडिंग में आपका हाफ एन आवर दूसरा जाएगा उसमें। सो स्टैंडर्ड साइकिल टाइम यू कैन कंसिडर 1 to 1.5 hours फॉर सिंगल बैच। दिस इज द सेकंड मशीन। ये दूसरा मशीन है दैट इज कॉल्ड रैपिड मिक्सर ग्रैनुलेटर। ये 250 लीटर्स का कैपेसिटी है, इसमें इन टर्म्स ऑफ केजी आप 100 to 120 kg मटेरियल इसमें प्रोसेस कर सकते हो। ये बेसिकली यूज होता है पाउडर मिक्सिंग के लिए और ग्रैनुल्स को बनाने के लिए। आपका मल्टीपल, जैसे आपने देखा होगा कि मेडिसिन में 2-3 टाइप के पाउडर इंक्लूड रहता है और उसके कॉम्बिनेशन से एक एक टैबलेट बनती है, तो वो सारे डिफरेंट पाउडर्स इसमें मिक्स होते हैं और उसमें से फिर आपका बाइंडर एड होके आपका ग्रैनुल्स रेडी होता है। तो ये इसका इधर क्या कैबिनेट की क्या रहता है इसका? ये सारे सेफ्टी गार्ड्स हैं, इसके अंदर मोटर गियरबॉक्स का अटैचमेंट रहेगा, असेंबली रहती है पूरी, जो जनरली आपको कभी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन टर्म्स जब भी आपका मेंटेनेंस आ गया उसी टाइम पे इसको ओपन करना रहता है। प्रोसेस आपका इस बाउल के अंदर होगा। ये प्रोडक्ट बाउल है, इसके अंदर लीड ओपन करके आपका मटेरियल आप यहाँ से चार्ज कर सकते हो मैन्युअली अगर चार्ज करना है तो। इसके अंदर इंपेलर रहता है, 3-blade इंपेलर रहेगा, और साइड वॉल में आपका चॉपर रहता है कि जो भी आपका ग्रैनुल्स बनेगा उसको चॉप करने का काम करता है। ये डिस्चार्ज असेंबली है जो अभी आप देख रहे हो, यहाँ से आपका प्रोसेस हुआ मटेरियल न्यूमेटिकली डिस्चार्ज होगा।
इसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई भी मेन इंटरवेंशन नहीं है, ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक मशीन है। तो आपका जैसे ही प्रोसेस खत्म होता है, यू ओपन द डिस्चार्ज गेट, आपका मटेरियल यहाँ से बाहर आ जाए। तो इस मशीन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं हम अपने साइज से, छोटा बड़ा कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं, वाइड रेंज अवेलेबल है, फ्रॉम लैब स्केल टू मोस्ट कमर्शियल, मतलब 5 लीटर से लेके 500 लीटर तक का आपको मशीन का कैपेसिटी मिल सकता है उसमें। दिस इज द थर्ड मशीन, ये मशीन को मल्टी मिल कहते हैं। तो इसमें आपका मटेरियल जो है वो ग्राइंड होता है और पार्टिकल साइज को डिफाइन करता है। इसके अंदर स्क्रीन रहती है, जो भी आपका पार्टिकल साइज रिक्वायर है उस हिसाब से आपको स्क्रीन चेंज करना रहता है, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, लाइक दैट। उसमें ये मटेरियल हॉपर है, यहाँ से मटेरियल आपका अंदर जाएगा, इसके अंदर प्रोसेस होके ये डिस्चार्ज से आपका मटेरियल बाहर आएगा उसमें। ये इसका ऑपरेटिंग पैनल है, वर्किंग प्रोसेस में आपका मेन सॉफ्टवेयर ऑन करोगे, उसके बाद में हॉपर से आपको पाउडर फिल करना है। मशीन रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है उसमें। इन बिटवीन आपका मिलिंग जब चॉप हो जाता है तो उसमें सेफ्टी इंटरलॉक्स भी दिए हुए हैं, अगर किसी ने चालू मशीन में कोई भी गार्ड ओपन किया या हॉपर ओपन करने की कोशिश करते हैं तो मशीन इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा। तो ये कितनी कैपेसिटी में है अपना? ये है 3 HP का मोटर लगा है, इसमें आप 150 kg पर आवर तक का आउटपुट ले सकते हैं। ये जो जितना मटेरियल है सर, ये सारा SS में रहता है? हाँ, ये कम्प्लीटली SS316L में रहता है और स्ट्रक्चर जो है वो पूरा SS304 में रहता है। तो इसकी गारंटी वारंटी कुछ भी देते हैं ऐसे? इसका भी पूरा आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट्स, बॉट आउट सर्टिफिकेट्स, MOC सर्टिफिकेट, सब लोग सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू ईच एंड एवरी पार्ट का आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। ठीक है, तो डिपेंड बात करें और भी कुछ, आप इंडस्ट्री में अगर काम करते हैं या किसी और इंडस्ट्री में भी आपको सर्विस? इंडस्ट्री में वी आर इनटू दिस इंडस्ट्री, हम लोग 35 साल से है। सो इट इज अ रेप्यूटेड ब्रांड और वी आर वन ऑफ द पायोनियर मैन्युफैक्चरर बेस्ड इन अहमदाबाद। हमारा फैक्ट्री जो है वो अहमदाबाद गुजरात में है, तो तकरीबन 35 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। तो पूरा टैबलेटिंग लाइन का सॉल्यूशन हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मशीन है, दिस इज द फोर्थ मशीन, दिस इज कॉल्ड, ये ब्लिस्टर पैकिंग मशीन है। जनरली जो आपकी टैबलेट्स होती हैं वो ब्लिस्टर के अंदर पैक होती हैं उसमें, तो यहाँ पे एक फिट स्क्रू अपना लगेगा फीडिंग हॉपर, वहाँ से टैबलेट आपकी ट्रैवल करेगी, ये फॉइल आगे जाके यहाँ पे आएगी, यहाँ से आपकी टैबलेट लोड होगी इसके ऊपर, ये ट्रैक आपका आगे जाएगा और ये दूसरा लेयर जो है वो आपकी जो भी टैबलेट आई उसके ऊपर, ये दूसरा लेयर इसके ऊपर आएगा लाइक दिस, ऐसे कर। तो ये जो है वो फॉर्मिंग जोन है, यहाँ पे आपके दोनों फॉइल्स जो है वो प्रोडक्ट के साथ में सील होगी। ये आपका सर्वो बेस्ड ड्रिवन है, ये क्या प्रोसेस है? और यहाँ से आपका प्रोडक्ट बाहर आएगा इंडस्ट्री फॉर्म। ये जो है वो कटर है, यहाँ पे आपका ब्लिस्टर जो है वो कट होगा और पूरे स्ट्रिप जो है उसको कट करके वन पीस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसका आउटपुट भी हम देख सकते हैं कि काफी अच्छा होता होगा। हाँ, आउटपुट इसका पर मिनट आपका 40 स्ट्रोक पर मिनट आप जा सकते हो, एक स्ट्रोक के आपका 20 टैबलेट्स निकलते हैं, मतलब इन टोटल 500 टैबलेट्स पर मिनट आप पैक कर सकते हो। एंड एफिशिएंसी एक्यूरेसी की अगर कुछ आप बात करते हैं तो वो किस तरीके से रहती है? एफिशिएंसी में इसमें मल्टीपल सेंसर्स लगे हुए हैं कि आपका फॉइल अगर डैमेज आ रहा है या आपका प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, मतलब टूटी हुई टैबलेट आ रही है या फॉरेन पार्टिकल्स उसके साथ में आ गए, तो देयर इज अ कैमरा सिस्टम, एक अवेलेबल ऑप्शन है इसमें एडिशनल फीचर्स की जगह। अगर आप वो लगाते हैं तो वो पूरा डिटेक्ट करता है और इमीडिएटली वो जो गलत पार्ट है या गलत टैबलेट आ गया उसको रिजेक्शन करता है। उसके लिए रिजेक्शन असेंबली इसमें इनबिल्ट रहती है, उसका कोई एडिशनल आपको चार्ज नहीं देना होता। और एंड वर्किंग सिस्टम इसका इजी रहता है? कोई भी इजी वर्किंग इजी है, मतलब ऑपरेटर आपका एटलीस्ट वी कैन से कि ITI पास होना चाहिए, डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए, हु कैन अंडरस्टैंड द इंग्लिश, तो उसके बेस के ऊपर कोई भी बंदे को ट्रेनिंग करके आप इसको मशीन को चला सकते हैं। और इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जब आपका मशीन इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमारा 3 दिन का ट्रेनिंग का सेशन रहता है। ये जो मशीन है ये टैबलेट प्रेस इसको बोलते हैं, कंप्रेशन मशीन, इसमें भी मल्टीपल मॉडल्स अवेलेबल है। ये जो मशीन है वो 27 स्टेशन डी टोलिंग इसको बोला जाता है। इसके अंदर आपका पाउडर जो रहता है उसको टैबलेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज द पंचिंग टूल्स, ये जो आपको रोटेटिंग दिख रहा है वो टरेट उसको बोलते हैं। तो इसमें अपर पंच और लोअर पंच रहता है, बीच में डाई रहती है, तो आपकी जो भी टैबलेट का शेप है उस हिसाब से डाई डिजाइन होती है और उसके अंदर आपका पाउडर फॉर्म होके हाइड्रोलिकली उसको प्रेस किया जाता है, तो पाउडर जो है आपके टैबलेट फॉर्म में आ जाता है। और ये क्या कंट्रोलिंग सिस्टम है इसका? ये इसका कंट्रोलिंग है, इसमें मेन ऑन आपका ये टैबलेट काउंटर है, जो भी आपकी पर मिनट या पर आवर जितनी टैबलेट्स आई वो आपको इसमें काउंट करके देगा। उसके अलावा लुब्रिकेशन की जरूरत अगर पड़ती है ऑनलाइन तो उसके लिए दिया हुआ है। बाकी ये फुल्ली लोडेड इनबिल्ट सर्किट इस हिसाब से डिजाइन किया गया कि आप खाली इसको सिंपली आपको ऑन ऑफ करना है,
स्पीड वेरिएशन के लिए अपना पोटेंशियोमीटर है, ये प्लस माइनस करके आप इसका स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हो। सर ये हमारा ओवरऑल प्रेजेंस है नॉट ओनली इन इंडिया बट वी आर एक्सपोर्टिंग टू थ्रू आउट द वर्ल्ड कंट्रीज। ये पूरा लिस्ट आप देख सकते हो, ये सारे कंट्रीज में हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है विथ वन और मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स। एज आई सेड कि हम लोग का 35 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, सो देर आर लॉट्स ऑफ इंस्टॉलेशंस अवेलेबल। खाली इंडिया की अगर बात करें तो हमारे 2000 से ज़्यादा मशीन्स मार्केट में चल रहे हैं सिंस लास्ट मोर देन 30 ईयर्स। तो सर्विस के लिए पूरा टीम डेडिकेटेड अवेलेबल है, तो स्पेयर सर्विस रेगुलरली आपको मिलेगा जब भी रिक्वायरमेंट है। अगर बात करें इसके रिगार्डिंग, अगर कोई कॉन्टेक्ट करना चाहे मशीनरीज के रिगार्डिंग, तो क्या कॉन्टेक्ट डिटेल्स रहेंगे आपके जो कॉल कर सके? कॉन्टेक्ट डिटेल्स में सर हमारा वेबसाइट है www.sipmec.com करके, आप उसके ऊपर गूगल पे जाके सर्च करेंगे आपको वेबसाइट मिलेगा। आप ऑनलाइन इंक्वायरी भी डाल सकते हो, हमारा डेली इंटरेक्शन रहता है। उसके अलावा आप sales@shipmec.com इसके ऊपर ईमेल भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे भी आप डायरेक्टली फोन पे भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, और फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं कोई। फैक्ट्री विजिट एनी टाइम आप प्रे ऑर्डर नोटिस देकर आप कभी भी आ सकते हैं, खाली एक दिन का टाइम आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो वी कैन बी प्रिपेयर फॉर योर यू नो टू वेलकम यू ऑल द गाइस। ग्रेट सर, सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।